हेलो आई एम तृप्ति वेलकम टू एन एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थ्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में थ्री मार्क्स का आता है काइनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है इसका डेरिवेशन आपको हंड्रेड परसेंट आता है और थ्री इक्वेशंस थ्री इक्वेशंस कौन 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 सी हैं आपकी वी इज इक्वस टू यू प्लस ए टी ठीक है एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस ये थ्री इक्वेशंस हैं ये आपको अच्छे से करनी है ठीक है इसका डेरिवेशन कैसे होता है आज हम सीखेंगे एंड इन इक्वेशंस में वी इज द फाइनल वेलोसिटी ठीक है फाइनल वेलोसिटी यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं है ठीक है ये याद रखना आप डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज फॉर टाइम तो इतनी चीजें हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम सो फिजिक्स में इन सभी क्वांटिटीज से रिलेट करके कुछ इक्वेशंस बनाए गए हैं ठीक है किन किन को आपने ऐड किया है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन सभी क्वांटिटीज को आपने कनेक्ट करके कुछ इक्वेशंस बनाए हैं जो कि बेस्ड हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है इन ये जो इक्वेशंस हैं ये तभी फॉलो होगी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ठीक है इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपको वो याद रखनी है कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन अप्लाई होगी अदरवाइज नहीं होंगे ठीक है अब इन इक्वेशन को वन बाय वन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी एंड कैलकुलस मेथड के थ्रू भी ठीक है कैसे डिराइव करते हैं वो हम अभी इस लेक्चर में देखते हैं ठीक है सो इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ओके सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है ठीक है आफ्टर सम टाइम टाइम टी में उसकी फाइनल वेलोसिटी ए हुई ठीक है टी टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई v, ठीक है देन एक्सल्रेशन इज ए सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है एंड चेंज इन टाइम टी माइनस जीरो फाइनल जो टाइमिंग है वो टी क्योंकि आफ्टर टी सेकेंड में वो फाइनल वेलोसिटी तक जाता है और इनिशियल आप टाइमिंग जीरो ले रहे हैं ठीक है सो यहाँ एक्सलरेशन क्या होगा ए इज टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम सो ए इज इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन टी हुआ ठीक है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप सो so, आपको मिला ए टी इज इक्वस टू वी माइनस यू और इसी इक्वेशन को आप चेंज कर दें आर एच एस एल एच एस सो वी इज इक्वस टू यू प्लस ए टी दिस इज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है कैनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ना हो इक्वेशन सेकेंड सेकंड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप एक ग्राफ ले लें अभी जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं ठीक है कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप ग्राफिकल मेथड ठीक है सो सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है एक ग्राफ ले लिया ओके okay. वलोसिटी वर्सेज टाइमिंग का ग्राफ ले लिया अब इस ग्राफ में हमने इनिशियल वलोसिटी यू से तो इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी हुई यू अब यहाँ तक पहुँचा और उसकी वलोसिटी एकदम चेंज हो गई ठीक है ऑब्जेक्ट को बीस से मीन्स इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वलोसिटी तक पहुँचने में टाइमिंग टी लगा ठीक है तो आप इस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं ओके okay. ये क्या है आपका ये जो y एक्सेस है ये डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है आपकी एंड इस पॉइंट पे आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी तो इस तरह से आप देखें कि ये जो पूरा एरिया है मैं, मैं ये जो पूरा लेंथ है वो है आपका v ठीक है एंड ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है ये आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी ठीक है ये वाई एक्सिस का जो लेंथ है वो है यू तो ये क्या हो जाएगा आपका वी माइनस यू ये वाला जो पार्ट है ये जो लेंथ है ये वी माइनस यू हुआ ओके फाइनल माइनस इनिशियल एंड दिस इज जो एक्स एक्सिस वाला जो लेंथ है वो आपका क्या हो जाएगा टी क्लियर है अब आपको फाइंड करना है ये पूरे रीजन का एरिया क्यों एरिया क्यों फाइंड कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये क्या करता है आपको डिस्प्लेसमेंट देता है गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप सपोज कर ले एस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इससे आप ए बी सी सपोज कर लें ठीक है और ये पॉइंट डी सपोज कर लें सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ठीक है दोनों ऐड करेंगे तभी आप इस रीजन का एरिया मिलेगा ठीक है और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा सो so, Displacement yeah area of this full region is equals to the area of rectangle O A O A C D plus Area of Triangle A B C. क्लियर है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा सो लेंथ मल्टीप्लीकेशन ब्रेथ लेंथ कितना है ठीक है लेंथ कितना है टी एंड ब्रेथ यू सो यू इंटू टी हो जाएगा इधर ट्राइंगल का हाफ होता है हाफ बेस इंटू हाइट बेस कितना है टी एंड हाइट वी माइनस यू सो वी माइनस यू इंटू टी क्लियर दिस इज द एस नाउ एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी ओके चलिए यू एस इज इक्वस टू यू टी यू टी प्लस हाफ देखिए ये वाला जो डिफरेंस है v माइनस यू वी माइनस यू के प्लेस पे हम ए टी पुट कर सकते हैं ठीक है v माइनस यू के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं ए टी सो यहाँ a इंटू टी पुट कर दीजिए और t एज इट इज सो एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् मिला एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है ये क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया ओके सेकेंड इक्वेशन एंड नाउ फाइनल इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ठीक है ये आपका थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करें ये वाला जो इक्वेशन है ये ले लें ठीक है एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी ये ले लिया आपने अब यहाँ से आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ये जो v है ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए v इंटू टी हो जाएगा एंड माइनस वन बाई टू यू इंटू टी दिस इज यू टी एंड दिस इज माइनस हाफ यू टी तो आपका क्या बनेगा हाफ यू टी ठीक है वन में से माइनस वन बाई टू गया सो प्लस वन बाई टू बचा सो वन बाई टू यू टी एंड दिस इज प्लस वन बाई टू वी टी, ठीक है अब यहाँ कॉमन टर्म आ रहे हैं कुछ हाफ आ रहा है हाफ इंटू टी यू प्लस वी हुआ क्लियर है अब देखिए यहाँ टी के प्लेस पे टी के प्लेस पे यहाँ से आप इस इक्वेशन से देखेंगे सो ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी सो टी इज इक्वल ए और टी को इंटरचेंज किया देन टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए ठीक है सो टी के प्लेस पे हम वी माइनस यू बाई ए पुट कर दीजिए यहाँ वन बाई टू ठीक है हाँ, two, हाफ टी के प्लेस पे आप वी माइनस यू अपॉन ए पुट कर दीजिए ठीक है ऐसे यू प्लस वी को वी प्लस यू भी लिख सकते हैं ठीक है पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर नेगेटिव होता है तो नहीं लिख सकते ओके अगेन okay, यहाँ वी माइनस यू एंड हियर वी प्लस यू है ठीक है सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ है यहाँ एंड हियर टू ओके यहाँ एस तो एल एच एस में है ही सो टू एस इज इक्वल्स टू आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा ठीक है और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सो दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ठीक है ये आपका थर्ड इक्वेशन है बी स्क्र इज इक्वल्स टू यू स्क्वायेर प्लस टू एस सो इस तरह से ग्राफिकल मैथड के थ्रू आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थ्री इक्वेशंस कानामेटिक इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है डेराइव कर सकते हैं अब हम कैलकुलस मेथड से भी इन इक्वेशंस को डेराइव कर सकते हैं आइए वो देखते हैं ओके कैलकुलस मेथड के थ्रू कानामेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं ठीक है कैलकुलस मेथड सो फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की बात करनी होगी ठीक है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है डी चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ठीक है सो यहाँ से क्या करें हम ए इंटू डी टी कर सकते हैं क्या होगा चेंज हो जाएगा आप डी को क्या कर लें सब्जेक्ट बना लें डी बी इज टू ए इंटू डी टी और मैथमेटिक्स में ये रूल फॉलो होता है कि आप दोनों साइड एल एच एस एंड आर एच एस दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को ठीक है तो यहाँ आपने इंटीग्रेट कर दिया अब इंटीग्रेशन कैसे किस लिमिट के थ्रू करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लिमिट लेना होगी सो देखो हमने क्या किया था पहले भी कहा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ठीक है इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यू है एंड आफ्टर टाइम टी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी एंड इतना जो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम एस कंसिडर करें एंड एक्सेलरेशन टी है यहाँ ठीक है यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका एस है और टाइमिंग इनिशियली ज़ीरो है फाइनल टाइमिंग टी है तो इसके बेसिस पर हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ठीक है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हुई इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इनिशियल क्या है यू एंड फाइनल बी सो so, यू टू वी ओके okay, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में सो so इनिशियल टाइमिंग जीरो एंड फाइनल टी क्लियर अब डी वी जैसे आप डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स वैसे ही डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी एंड लिमिट हो जाएगी यू टू बी ठीक है यहाँ ए कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए यहाँ टी का कोई टर्म नहीं है इसीलिए ए जो है वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ठीक है इंटीग्रेशन के एंड डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी एंड लिमिट ज़ीरो टू टी ओके यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए वी माइनस यू एंड हियर ए टी माइनस ज़ीरो ठीक है ब्रैकेट ओपन करिए वी माइनस यूज इक्व टू ए टी एंड इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओके एंड न सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए हम वेलोसिटी के टर्म को यूज़ करेंगे वी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिसमेंट अपॉन टाइम होता है ठीक so, है सो डिससमेंट को सब्जेक्ट करिए डी एस इज इक्वल टू वी इन टू डी टी हो जाएगा सॉरी यहाँ डी टी हो जाएगा इंटीग्रेट करिए दोनों टर्म्स को सो डी एस एंड बी डी टी जीरो टू एस डिसमेंट इनिशियल जीरो एंड फाइनल एस एंड टाइमिंग क्या हुआ जीरो टू टी ओके अब यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस एंड लिमिट हो जाएगा जीरो टू एस बट यहाँ बी के प्लेस पे हम ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे ठीक है क्या पुट करेंगे यू प्लस ए टी सो लिमिट जीरो टू टी यहाँ यू प्लस ए टी और dt टी हुआ ठीक है इसे ओपन करिए यहाँ तो s एस माइनस एस सो एस मिलेगा आपको ठीक है डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको अब यहाँ जीरो टू t ये आप ब्रैकेट ओपन करेंगे सो so u dt टी हुआ एंड प्लस ए टी इंटू डी टी क्लियर अब एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लीजिए u dt प्लस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू t a t डी ओके okay. जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए सो एस इजिकवस टू क्या हुआ यू कांस्टेंट है डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी एंड लिमिट जीरो टू टी यहाँ प्लस ए ए कांस्टेंट होगा टी इंटू डी सो टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू ओके एंड लिमिट जीरो टू टी एस इज इक्वस टू यू टी माइनस जीरो एंड यहाँ ए बाई टू टी स्क्वायर माइनस जीरो लिमिट पुट कर दिया आपने सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायेर दिस इज योअर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ओके ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिला नाउ थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम यही इक्वेशन पुट करते हैं ठीक है कौन सा इक्वेशन एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन क्या होता है ए इज इक्व टू होता है डी बाय बाई बट अब क्या करें क्योंकि हमारा जो थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन क्या है वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस टू ए क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर भी टाइम आया यहाँ पर भी टाइम आया ठीक है वेलोसिटी तो है ओके बट टाइम नहीं है टाइम को यहाँ रिप्लेस करना है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई यहाँ डिसप्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे ठीक है डी एस का यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कर दिया ठीक है डी टी ठीक है इस तरह से अब क्या कर सकते हैं ये वाला जो टर्म है ये जो टर्म डी एस बाई डी टी आप देख रहे हैं दिस इज द वेलोसिटी सो इसके प्लेस पर डीबी बाई डी एस इसके प्लेस पे आप पी पुट कर दीजिए ठीक है so, सो आपको मिला ए इज इक्वल्स टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस क्लियर सो आप यहाँ से ए इंटू डी एस लिख सकते हैं डी एस को यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी इंटू डी वी ठीक है इंटीग्रेट बोथ साइड सभी दोनों की साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए ठीक है दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया आपने सो ए इंटू डी एस आप डी एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो जीरो टू एस लिमिट लगा दीजिए यहाँ वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो इनिशियल वेलोसिटी वी एंड सॉरी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी ओके सो एयर कॉन्स्टेंट एंड डी एस का डिफ्रेंशिएशन एस हुआ एंड जीरो टू एस लिमिट हो गई ओके okay. यहाँ क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर बाई टू ठीक है वी डी वी सो वी स्क्वेयर बाई टू एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस तो आपको पता ही होंगे अगर यहाँ एक्स डी एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप तो क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस वन एंड अपॉन एन प्लस वन ठीक है सो वी स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट हुई आपकी यू टू वी अब लिमिट पुट करिए सो ए यहाँ s माइनस ज़ीरो होगा एंड यहाँ हाफ को कॉमन ले लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायेयर ओके एस एंड हीयर यहाँ टू बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सो टू ए एस हुआ एंड हेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर सो इस इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए वी स्क्वेयर इज इक्वस टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस ओके सो वी गेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सो आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन तीनों इक्वेशन कैलकुलस मेथड के थ्रू भी फाइंड आउट कर लिया आपने डिलाईव कर दिया एंड ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी आपने उसे डिराइव कर दिया ओके सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे क्योंकि मेरा ये ट्राई रहता है और मेरा इंटेंशन बस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस फिजिक्स में इज़ी करके सिखाऊ ताकि आप इजीली ग्रैप कर सकें और आपको सभी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे एंड ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ग्राफ्स सारे क्लियर हो जाएंगे वी ग्राफ क्या होता है एक्सटी ग्राफ क्या होता है ए ग्राफ क्या होता है सब भी टाइप के ग्राफ्स की मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ उससे आपको पूरा ग्राफिकल मेथड क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं So, okay, bye bye, take care. And yes, keep watching and keep learning. And please, please, please subscribe my channel.